मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में नए साल के प्रथम संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में की गई। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा संपूर्ण दिवस में 111 फरियादियों ने शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को मुख्य रूप से उठाते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने हरियाणा पंजाब को उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अमीर राज्य बताया। कहा, जब वहां के किसानों का ट्यूबवेल बिजली फ्री है तो यूपी में क्यों नहीं। नगर की कुड़का नदी पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जा हटवाए जाने, बिजली का मीटर लगवाने के नाम पर अवैध वसूली रुकवाने आदि की मांग की। मौके पर डीएम साहब ने शिकायतों के निस्तारण के लिए लोगों को आश्वासन दिया और जल्द ही शिकायतों का निस्तारण करने को कहा। समस्या दिया है हमने, क्योंकि जो किसानों की समस्या है उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारी आश्वासन देते हैं मगर पूरा 17वां साल जो है 2017 चली गई, पूरा बीत गया, लग गई। किसानों की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। आश्वासन मिलते रहे, मिलना है, आज भी आश्वासन ही मिल रहे हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा। किसान स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसान की जो है लागू हो। दूसरा, बिजली की समस्या, पुराने तार हैं जर्जर, और जो किसान उसकी जो ट्यूबवेल होगी हरियाणा और पंजाब की तरह हमारे यूपी में भी ट्यूबवेलों का बिल माफ हो, क्योंकि हरियाणा पंजाब से हमारा जो यूपी है ये तो गरीब है। जब वो मालदार प्रदेश होता हुआ वहाँ के ट्यूबवेलों के किसानों के बिल माफ है तो उसकी तर्ज पे हमारे यूपी में भी हो। असली चीज बजाय वो फ्री करने के बजाय और जो है बिल बढ़ा दिए, दूने कर दिए, तो ये किसान के साथ सरासर नाजायजती है। इसका पुरजोर विरोध करती है किसान यूनियन, खत्म करने और करती रहे बिल बढ़ाए। वो आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन माननीय जिलाधिकारी महोदय व कप्तान साहब की अध्यक्षता में ठाकुर द्वारा में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 111 शिकायतें आज दर्ज हुई हैं और इनमें से अधिकांशतः किसानों की भी समस्याएं थीं, कुछ विद्युत की थीं और नहर विभाग से भी संबंधित थीं शिकायतें, जिनको कि निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागों को दे दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर उनका निस्तारण होना है।